हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया था लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम हमने किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद हम उसी के अंदर बातें हैं बहुत सारी छोटी छोटी जो हमारी अभी रही हुई है। तो आगे इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल के साथ ही जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है पहले यही पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताने से पहले आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ लिया है, तो पढ़ने के बाद मैं एक बार फिर से बना देता हूं थोड़ा सा फास्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, बस छोटा सा एक डायग्राम, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। ये आपने जिंक रोड ली थी, इसमें ZnSO4 सॉल्यूशन लिया था, यहां पे आपने CuSO4 सॉल्यूशन लिया था, और इसमें किसकी रोड ली थी आपने? कॉपर की रोड ली थी, यही था, और दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा था, यही आपने किया था। यहां पे आपने एक यू शेप की ट्यूब लगाई थी, ये आपका था यू शेप की ट्यूब आपने लगाई थी इस तरीके से, ये है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? साल्ट ब्रिज। यही किया था ना आप सबने? उसके बाद ध्यान से देखिए आपने किया क्या था। मैंने बताया था ये जो जिंक है ये किसका काम करता है? एनोड का, जिसके ऊपर मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज। और ये कहा था ये कॉपर जो है कैथोड का काम करता है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, यही कहा था ना। अब ये नेगेटिव और ये था पॉजिटिव, धीरे धीरे जब रिएक्शन हुई तो हमने क्या देखा था, इसके अंदर कौन सी अमाउंट बढ़ गई थी? पॉजिटिव चार्ज की, देखा था या नहीं देखा था? उस पॉजिटिव चार्ज को इस साल्ट ब्रिज ने न्यूट्रल किया था, और इसके अंदर किसकी अमाउंट बढ़ गई थी? नेगेटिव चार्ज की। यानी कि इस सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था, इस सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया था, और इसकी रोड के ऊपर था नेगेटिव चार्ज, इसकी रोड पे था पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कैसे आया, यही सब कहानी तो है। तो ये क्या कह रहा है, जब यहां पे ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों हुआ वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनिएगा। इस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कैसे आया मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अब इस रोड पे है नेगेटिव चार्ज, और इसका जो ये सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इस मेटल की रोड को बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोड। क्या बोलाता है? इलेक्ट्रोड। और इस सॉल्यूशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या बोलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलाता है? इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, यही है। इसी तरीके से इस मेटल की रोड पे, कॉपर मेटल पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसको तो बोलते हैं, रोड को हमेशा इलेक्ट्रोड बोला जाता है, कोई भी मेटल की रोड हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और ये आपका सॉल्यूशन है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। बोलो इतना समझ में आया नहीं आया? इतना तो हो गया ना। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहले इसीलिए पढ़ा था, इस पे इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज किसके कारण? जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक टू पॉजिटिव नहीं बना रहा था, जिसके कारण यहां पे पॉजिटिव चार्ज था। वो मैं बताऊंगा पॉजिटिव ये कैसे आया, फिर से रिपीट करूंगा ये नेगेटिव कैसे आया, आपको पता भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया। तो अब ये बताओ, इस मेटल की रोड पे नेगेटिव और इस सोल्यूशन में पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में क्या क्रिएट होता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या डिफरेंस क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इस मेटल की रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। ए पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इस मेटल रोड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड के बीच में और इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के बीच में। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इस मेटल की रोड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इन दोनों के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटिंग बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड के बीच में और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके अंदर खुद का अपना कुछ पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरीके से यहां पे भी देखिएगा, यहां पे भी क्या है, इस रोड पे पॉजिटिव और इस सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव, तो यहां पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके बीच में भी क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, उसको भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम दिया जाएगा, उसको भी हम क्या
क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और आप फिजिक्स में पढ़ते हो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लेट के बीच में हमेशा क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम दिया जाता है। पता चला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यह था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने क्यों छोड़े, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चला या नहीं पता चला। इलेक्ट्रोड मतलब मेटल की रोड, उस पे नेगेटिव था, इसके सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव था, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका अपना खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। मैंने उस दिन भी बताया था जब लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया, मैंने बताया था इसका अपना पोटेंशियल होता है, इसका अपना पोटेंशियल होता है। इसी पोटेंशियल को आज हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल जो मैंने बताया था, इसका पोटेंशियल कैसा होता है, एनोड का पोटेंशियल हमेशा लो होता है, बताया था नहीं बताया था, और कैथोड का पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, हाई होता है, यह भी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। और मैंने तुम्हें यह बताया था, जिसको लास्ट वीडियो आती है उसको यह अच्छे से समझ में आएगा, इसका पोटेंशियल लो है, इसका पोटेंशियल हाई है। जिसका पोटेंशियल लो होता ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा था और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, और उधर ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था या नहीं कर रहा था, जिसके कारण यहां पे पोटेंशियल हाई था, तो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जा रहे थे या नहीं जा रहे थे। इस तरीके से यहां पे पोटेंशियल लो, यहां पे इसका पोटेंशियल हाई था। इस हाफ सेल का, जिसको हम एनोड हाफ सेल बोलते हैं, बताया था लास्ट वीडियो को देखो एक बार, ये एनोड हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ सेल है, इसका अपना पोटेंशियल होता है, इसका अपना पोटेंशियल होता है। इसका पोटेंशियल कैसे है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उस पे और इस मेटल रोड पे अलग अलग चार्ज होता है हमेशा, इसलिए इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, उसको इसका पोटेंशियल। इसी तरीके से इसकी रोड पे और इसके सॉल्यूशन में अलग अलग चार्ज होगा, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल होगा, उसको इसका पोटेंशियल बोला जाएगा। इन दोनों का पोटेंशियल कंबाइन होकर, हमें इकट्ठा होकर दिखाई देता है इस गैल्वेनोमीटर में, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं ईएमएफ। क्या नाम देते हैं, ईएमएफ, जिसको बोलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दिया जाता है। कैसे, कंप्लीट सेल के अंदर, इस कंप्लीट सेल में कितना करंट मिलता है, जिंक और कॉपर के सेल में बताया था कितना करंट मिलता है, 1.1 वोल्ट का, इसको बोलते हैं ईएमएफ। इस 1.1 को क्या बोलेंगे, द कंबाइन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल इज नोन एज ईएमएफ। यानी कि हमारा जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, इसमें कितना करंट हमें ऑब्टेन हुआ, इन दोनों का पोटेंशियल जो है, कंबाइन पोटेंशियल है, उसे हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ नाम दिया जाता है। पता चल गया, तो इन दोनों के पोटेंशियल के कारण जो हमें टोटल पोटेंशियल मिला यहां पे, उसको बोलते हैं ईएमएफ। पता चल गया, एक मैंने बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा क्या बताया, ईएमएफ। अब सुनिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और भी बातें। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं क्या करता हूं, मान लेते हैं मैंने ये ले लिया CuSO4 का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन ले लिया, CuSO4 का, और इसमें मैंने किसकी रोड डाल दी, कॉपर की रोड ही डालनी है, डाल दी कॉपर की रोड मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो अब क्या है, इस कॉपर की, इस CuSO4 सॉल्यूशन के साथ तीन टेंडेंसी है, ये तीन काम कर सकता है यहां पे। जब हम किसी की भी रोड को, किसी मेटल की रोड को उसके सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे कॉपर की रोड को कॉपर के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो वहां पे तीन काम हो सकते हैं। वो तीन काम क्या है वो सुनिएगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। वो तीन काम क्या हो सकते हैं, सबसे पहला नो रिएक्शन या नो चेंज, कोई भी चेंज ना हो, शायद ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना हो, एज इट इज पढ़ा रहे। दूसरा जो क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कह रहा है शायद ये कॉपर मेटल के
जो रोड है मैंने बताया था जब तक कॉपर सॉलिड होगा तो इस कब जब इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो इस कॉपर की मेटल पे क्या है ये सॉलिड एटम्स हैं, इनके एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये क्या करे, ये कॉपर के एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके कॉपर टू पॉजिटिव में चेंज हो जाएं, किसमें चेंज हो जाएं, कॉपर टू पॉजिटिव में। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब मेटल पे चार्ज आ जाता है तो वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, तो यहां से मेटल के एटम धीरे धीरे इसको रोड को छोड़ के इसमें चले जाएंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, और जो दो ये इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं ये इलेक्ट्रॉन इस रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, इस रोड के ऊपर आ जाएंगे, इस रोड के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस मेटल की रोड पर ये बताओ कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। और जो आपका ये सॉल्यूशन है इसके अंदर कैसा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, इस तरीके से इस मेटल की रोड पे नेगेटिव और इसके सॉल्यूशन में पॉजिटिव, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या नाम दे रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने यहां पे तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से समझा दिया और यहां पे अलग अलग करके बता दिया, तो दूसरा रीजन ये हो सकता है, यानी कि दूसरा काम ये हो सकता है, पहला काम कोई काम नहीं होगा, दूसरा ये काम हो सकता है, और ये काम होगा तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये है भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो वहां पे भी बताया था, वहां पे क्यों बताया मैंने और यहां पे अलग से क्यों, क्योंकि बच्चों अकेला ये काम नहीं करता है, ये या तो एनोड ऑफ सेल का काम करेगा या कैथोड का, और अकेला काम नहीं करेगा ये जब तक इसको किसी दूसरे से नहीं जोड़ा जाएगा, और यहां पे दोनों जुड़े हुए हैं इसलिए ये दोनों काम कर रहे थे, यहां पे ये अकेला काम नहीं करेगा लेकिन जब जुड़ेगा तब ऐसे काम कर सकता है, ये हम देख रहे हैं। एक और क्या कर सकता है, जब इसको किसी के साथ जोड़ोगे तो एक काम और क्या कर सकता है, मान लेते मैंने ये ले लिया, यही सॉल्यूशन लिया, किसका सॉल्यूशन ले लिया, CuSO4 का, CuSO4 का, और इसमें किसकी रोड डाल दी, वही कॉपर की मेटल की। तो तीसरा काम सुनिएगा क्या हो सकता है, तीसरा काम हो सकता है क्या, तीसरा काम ये हो सकता है जो ये मेटल के आयंस है Cu2 पॉजिटिव के आयंस है, जैसे यहां पे किया था इन्होंने Cu2 पॉजिटिव के जो ये आयन है ना इस CuSO4 के सॉल्यूशन में, ये क्या करें इस मेटल की रोड से इलेक्ट्रॉन को खींच लें, क्या कर लें इलेक्ट्रॉन को खींच लें, और इस मेटल की रोड में से इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो किसमें चेंज हो जाएंगे Cu, और Cu कैसा हो जाएगा सॉलिड, ये सॉलिड Cu कैसे पता चलेगा, इस मेटल की रोड पे वेट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यहां पे हुआ था या नहीं हुआ था, यहां पे इसको ऊपर ने वेट को लूज किया था क्योंकि यहां पे ये जिंक जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता था वैसे इसने किया, तो मैंने कॉपर का ही एग्जांपल लिया ना, तो कॉपर का ही ले लिया, ये यहां पे कॉपर का ही दूसरा काम देखो, यहां पे जो काम किया है इस सेल में वो काम जिंक ने कर रखा है, लेकिन मैं एक ही एग्जांपल लेके तीनों काम समझा रहा हूं आपको, कॉपर का ही एग्जांपल लेके, ठीक है। यहां पे हमने जिंक का अलग देखा था, कॉपर का अलग, क्योंकि अलग अलग काम करते हैं। अब यहां पे देखिएगा इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जब इस रोड से ये कॉपर 2 पॉजिटिव इसके इस सॉल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव इस रोड से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे तो इस रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो यहां पे किसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, यहां पे नेगेटिव चार्ज SO4 नेगेटिव नहीं बचता इसके अंदर जैसे इसमें बचा था यहां पे, तो अब इस सॉल्यूशन में कैसा चार्ज हो गया नेगेटिव और इस रोड पे कैसा हो गया पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो हम क्या नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो मैंने कॉपर से ही दोनों समझा दिए, अगर यहां पे आपको कम समझ में आते हो ना तो यहां से समझ लो, यहां पे देखो जिंक और इसके सॉल्यूशन के बीच में, इसके सॉल्यूशन पे था जिंक 2 पॉजिटिव कैंस और इस पे नेगेटिव, यहां पे ये रहा और यहां पे ये देखो ये वाला काम ये कर रहा और ये वाला काम यहां पे ये जिंक कर रहा है, तो आप यहां से भी समझ लो इसके सॉल्यूशन पे पॉजिटिव रोड पे नेगेटिव, यहां पे देखो इसके सॉल्यूशन पे पॉजिटिव था रोड पे नेगेटिव, यहां पे देखो इसके सॉल्यूशन पे नेगेटिव रोड पे पॉजिटिव, यहां पे देखो मैंने यही तो समझाया है इसके सॉल्यूशन पे इसके रोड पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो एक का एग्जांपल लेके भी बता दो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से भी समझ सकते हो, हो जाएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दीज आर ऑफ टू टाइप, कितने टाइप के होते हैं ये, दो टाइप के होते हैं, तो वे दो टाइप के सुनिएगा कौन कौन से होते हैं, ध्यान से हटा दूं इन सबको, ये देखिएगा दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, ये हटा दिया मैंने, यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है
यहां पे, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल लो चाहे, इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों भैया सा? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होने के कारण कैसे हुआ था, जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, जिंक टू पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन बनाया था, बनाया था या नहीं बनाया था, तो ये मेटल रोड धीरे धीरे वेट को लूज कर रही थी, तो यहां पे जिंक टू पॉजिटिव के आयंस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया था। कैसे हुआ था ये एक बार फिर से देख लो, इसमें था ZnSO4 और यहां पे था ये जिंक की रोड, इस जिंक ने ऐसा किया तो ये वेट लूज, ये जिंक टू पॉजिटिव इसमें चले गए और ये इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए रोड पे, तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वहां पे क्या हुआ है, इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव है और इसकी रोड पे पॉजिटिव है, इस रोड पे पॉजिटिव कैसे आया, अभी अभी तो बताया था, ये सॉल्यूशन के जो कॉपर टू पॉजिटिव आयंस है ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं और किसी में से भी इलेक्ट्रॉन को लोगे तो उसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, तो इस पे पॉजिटिव और इसके अंदर नेगेटिव, तो इनके बीच में भी पोटेंशियल क्रिएट हुआ, लेकिन यहां पे रिडक्शन हुआ है, हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा है और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है, रिडक्शन, इसलिए इसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, तो दूसरा पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो दीज आर ऑफ टू टाइप, एक को हमने नाम दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरे को हमने क्या नाम दिया, रिडक्शन पोटेंशियल। अब पूरी बात सुनिएगा मेरी, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो ये है, क्या रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग काम कर सकता है, मैं इसको यहां से हटा दूं क्या ये अकेला काम करेगा, नहीं करेगा, ये भी अकेला काम नहीं करेगा, ये काम इसके कारण कर रहा है और ये काम इसके कारण कर रहा है, तभी तो मैं बार बार कह रहा हूं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना जरूरी है, तभी रिडक्शन भी हो सकेगा ऑक्सीडेशन भी, अकेला आप रिडक्शन चाहो अकेला आप ऑक्सीडेशन चाहो नहीं होगा। या फिर मैंने तुम्हें बताया था इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल दोनों का कंबाइन होके हमें यहां पे मिलता है गैलोनोमीटर में, यानी कि इस सेल में कितना करंट मिलेगा, अगर आपको ये निकालना हो उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ, यही बोलते हैं ना, टोटल अमाउंट ऑफ वोल्टेज विच इज ड्रॉन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज नोन एज ईएमएफ, टोटल हमें जो मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ। एग्जैक्ट डेफिनेशन सुनिएगा अब ईएमएफ की क्या है, इसके पोटेंशियल में और इसके पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, एग्जैक्ट डेफिनेशन बनानी हो तो कैसे बनाओगे, मैंने क्या बताया, यहां का पोटेंशियल प्लस यहां का टोटल पोटेंशियल जो मिलता है उसे ईएमएफ, लेकिन डेफिनेशन बनानी हो तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन बनानी हो तब क्या लिखोगे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड के जो ये इलेक्ट्रोड है ना, इनके अंदर खुद का अपना पोटेंशियल है, फिर वो पोटेंशियल इन दोनों के अंदर है, यानी कि ये नेगेटिव बन गया अपने पोटेंशियल के कारण, ये नेगेटिव बन गया और ये क्या बन गया, पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच में एक नया पोटेंशियल आया, उस नए पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ। इसका अपना पोटेंशियल किसके बीच में था, इसके सॉल्यूशन में और इस रोड में, इसका पोटेंशियल इसके सॉल्यूशन और इसकी रोड में था, वो इनका खुद का पोटेंशियल था, इसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल, फिर इसकी रोड में और इसकी रोड में, देखो मैंने क्या लिखा है, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड इन मेटल की रोड को बोलते हैं, इस एनोड रोड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, कैथोड रोड के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इनमें एक नया पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ नाम दिया जाता है। वैसे इसको ईएमएफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं सुनिएगा, ईएमएफ मैं पहले भी बता चुका हूं, ईएमएफ अगर मैथमेटिकली निकालना हो तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस कर दोगे इसके अंदर क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये दोनों जोड़ दो भाई, क्या जोड़ना है ध्यान से देखो। अरे मैंने तुम्हें बताया था जनरल देसी लैंग्वेज में अगर देखो ईएमएफ क्या होता है, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल इसके सॉल्यूशन और इसकी रोड में, इसका पोटेंशियल इसके सॉल्यूशन और इसकी रोड में,
इन दोनों का कंबाइन कर दोगे तो ईएमएफ मिल जाएगा। लेकिन डेफिनेशनली कैसे लिखोगे, इस एनोड रोड में और कैथोड रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे हम क्या नाम देंगे, ईएमएफ। ईएमएफ रोड रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल इसका और इसके सॉल्यूशन का होता है, और इसका और इसके सॉल्यूशन का होता है। अब कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां से, ईएमएफ। इस तरीके से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये दो टाइप थे इसके, उन्हीं के जुड़ने से क्या बनता है, ईएमएफ बनता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन देनी हो तो क्या दोगे, क्या दोगे, यहां पे ये पोटेंशियल किसके कारण क्रिएट हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज करते यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ गए और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और यहां पे इस पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका हो गया रिडक्शन, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या लिखोगे, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण जो पोटेंशियल आया उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल आएगा, तो आप क्या लिखोगे, इट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, गेन टेंडेंसी, उसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और लूज टेंडेंसी इसे हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हो गया, क्योंकि लूज करने के कारण ये पोटेंशियल आया, गेन करने के कारण ये पोटेंशियल आया, तो लूज करने की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गेन करने की टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल। ईएमएफ पता चल गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं यह भी पता चल गया होगा। अब आगे देखते हैं, हटा दूं इन सबको, आगे क्या कह रहा है पूरी बात सुनते जाइएगा। अभी ये क्या कह रहा है, जो ये पोटेंशियल है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, बोलते हैं ना रिडक्शन पोटेंशियल, इसके आगे एक वर्ड और लगा देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या वर्ड लगता है, स्टैंडर्ड। इसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या मतलब है, ये और सुनिएगा, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब होता है जो ये आपने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है इसकी मोलरिटी 1 होनी चाहिए, यहां पे जो COSO4 का सॉल्यूशन लिया है उसकी मोलरिटी 1 होनी चाहिए, ये कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक होना चाहिए, ये सारी कंडीशन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल आएगा उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन वाले का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन वाले का क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। बोलो पता चल गया इतना। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों क्रिएट हुआ, उसमें रिडक्शन पोटेंशियल क्यों क्रिएट हुआ, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, क्योंकि इसका पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। बाकी आप कुछ भी रामायण पढ़ते रहो भी कुछ समझ में नहीं आने वाला है, बात यही है सिर्फ, जिंक इज मोर रिएक्टिव इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे वो यहां पे जाएंगे। और मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो डिफ्यूजन की तरह होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए वहां से जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है वहां पे जाएंगे, जैसे गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट हाई है तो वो यहां से यहां पे चले जाते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रॉन हाई होते हैं वहां पे पोटेंशियल कैसा होता है, लो, यानी कि लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाते हैं, हमेशा हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। हो जाएगा, अब ये कह रहा आगे सुनिएगा, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड पता चल गया कब लगता स्टैंडर्ड वर्ड। अब ये कह रहा है हमने ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला बना लिया, ईएमएफ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कर सकते हैं ना, ये ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन वाले का रिडक्शन, तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा। ये कह रहा आप इसमें बार बार कंफ्यूज हो गए, इसलिए क्या करें, इजी फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं इजी फॉर्मूला, अब ध्यान से सुनिए, रिडक्शन फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन, रिडक्शन हमेशा किस पे होता है, कैथोड पे, किस पे होता है, कैथोड पे, ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होता है, एनोड पे, किस पे होता है, एनोड पे। इसलिए क्या किया गया, इस पोटेंशियल को सिंबल में लिख दिया, क्या सिंबल होता है इसका, ई नोट, क्या होता है, ई नोट, नोट स्टैंडर्ड के लिए, और ई का मतलब होता है
पोटेंशियल, वो रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी। लेकिन कैसे बताएंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन, वो इसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहां पे इसका रिडक्शन में क्या रिएक्शन हुई थी, कॉपर टू पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बनाया था, तो इसको ऐसे लिखेंगे कॉपर टू पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर। ये हमें कह रहा है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। कैसे, ई का मतलब पोटेंशियल और इसका मतलब रिडक्शन, कैसे पता चला। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है प्लस टू, यहां पर इसका कितना है जीरो, प्लस टू से जीरो पे गया, क्या हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, डिक्रीज मींस रिडक्शन। और ये बात हमें कह रही है ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, पता चल गया। इसको भी सिंपल फॉर्म में लिखते हैं ई नोट। अब यहां पे क्या हुआ था, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक टू पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन, यही बना था ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे जिंक ऑब्लिक जिंक टू पॉजिटिव। कैसे, जिंक ऑब्लिक जिंक, देखो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना प्लस टू होता है, तो इसका यह कौन सा पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, EMF। फिर क्या किया गया, थोड़ा सा और सिंपल फॉर्मूला बना लिया गया। क्या बनाया गया, इन्होंने कहा हम बार बार देखेंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन है, इसको भी हम देखेंगे ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, एनोड वाले का हमें ऑक्सीडेशन लेना पड़ेगा, कैथोड वाले का हमें रिडक्शन, क्यों ना इन दोनों को एक में ही बदल लें, या तो दोनों को रिडक्शन में ले लें या दोनों को ऑक्सीडेशन में। क्या मतलब, पूरी बात सुनिए, इन्होंने कहा कैथोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है, एनोड का भी इसको रिडक्शन पोटेंशियल बना लो। क्या बना ले, इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल बना लो। कैसे बनाओगे ये बात सुनो, आप इसको मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये बताओ क्या बन गया। आप अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये क्या बन गया, ये देखो प्लस टू यहां पे जीरो, क्या हुआ डिक्रीज चार्ज, तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। ये एनोड वाले का भी रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। कैसे बनाया, अगर इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मान लेते, मैंने मान ली प्लस का एक है, कितनी है प्लस का एक, तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी माइनस का एक। साइन चेंज कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको, अपने आप से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन में चेंज हो जाएगा। रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में करना हो फिर से साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करने से आप रिडक्शन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस में चेंज कर सकते हो रिडक्शन में, इसलिए इसको रिडक्शन में चेंज कर दिया गया। इसको रिडक्शन में चेंज करेंगे तो यह प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, तो कर दो इसको प्लस वाले को माइनस कर दो, तो यहां पे ये देखिएगा, इसलिए फॉर्मूला आप देखिएगा क्या बन गया, ये माइनस ई, ये क्या हो गया जिंक टू पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक, ये रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का हो गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका हो गया कैथोड का। अब फॉर्मूला बन गया ईएमएफ निकालने का, आपके लिए इजी हो गया ये। ईएमएफ को एक और नाम भी देते हैं ई नोट सेल, मतलब पोटेंशियल किसी भी सेल में कितना, इट इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमेशा कहीं पे भी न्यूमेरिकल आ जाए, बीएससी एमएससी कहीं पे भी, नीट या फिर आईआईटी कहीं पे भी, ये फॉर्मूला लगाओगे। ये फॉर्मूले का एक बात सुन लो, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए और ये भी रिडक्शन, आप एक ले लो। रिडक्शन पोटेंशियल लेने से पता क्या, आपके सारे आंसर इजी हो जाएंगे। अब आप कहीं पे कंफ्यूज होगे, कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कहीं पे रिडक्शन, मैं पूरी यूनिट को रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सोल्व करवा देता हूं। तो रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे, आपके आंसर सही रहेंगे या नहीं आए। अब ये हमने फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग बनाया, रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे वो एनोड हो या कैथोड हो, दोनों का होता है, बस आप साइन चेंज कर दोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला जो बना है ये किसके अकॉर्डिंग बना है, रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बना है। तो ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग बना है, रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बन गया ना, ये बस साइन चेंज किया था, लिखना आ गया फिर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब सुनिएगा, आगे भी सुनते जाइएगा, इसको हटा दूं अब, ये लो भी। अब मैंने कहा था तुम्हें जिंक और कॉपर के सेल का जो ईएमएफ है वो 1.1, यानी कि ये जो ईएमएफ है ये 1.1 वोल्ट होता है, इक्वल टू, यानी कि ये ईएमएफ कैसे निकला, जब हमने रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से किसको माइनस कर दिया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे सर आपने तो दोनों को कंबाइन करने के लिए कहा था, अरे हमने ये कंबाइन ही तो किया था, ये कंबाइन नहीं किया था हमने, सॉरी यहां पर पहले ये फॉर्मूला था ईएमएफ का, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ
एनोड, यही था ना। मैंने इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में चेंज कर लिया था, इसलिए ये प्लस का साइन किस में हो गया था, माइनस में। घबरा मत जाना, दोनों का कंबाइन ओके मिला है, लेकिन ये माइनस हमने अपनी तरफ से फॉर्मूले को चेंज करके बना लिया है। समझ में आ गया। अब यहां पे एक बात बताइएगा, ये 1.1 वोल्ट इन दोनों का है। अब ये बताओ इसका कितना और इसका कितना है, मतलब इस कैथोड का, इस एनोड का अपना पोटेंशियल है और इस कैथोड का अपना पोटेंशियल है। बता चुका हूं कैसे, इस रोड के और इसके सॉल्यूशन के बीच में, इस रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में अपना पोटेंशियल है। वो ही तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन उसको आप अकेला, अगर मैं इसको हटा दूं तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस अकेले का। अब ये दोनों का मिला के 1.1 वोल्ट मिला है, इसका कितना है और इसका कितना हमें पता ही नहीं है। कैसे पता करेंगे, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके द्वारा हम पता कर सके। इसलिए इस अकेले का पता करने के लिए, या इस अकेले का पता करने के लिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे पता कर सकते हैं, कोई ना कोई तरीका खोजेंगे। लेकिन अभी तक आप इतना याद रखो, अकेले हाफ सेल का कोई भी यह नहीं बता सकता इसमें कितना पोटेंशियल है, इसमें कितना है। दो मेटल को जब जोड़ोगे, उनका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओगे, तो आप सिर्फ इतना बता सकते हो भाई उन दोनों को जोड़ने पर इतना करंट मिलेगा, ये नहीं बता सकते इसका कितना है और इसका कितना है। समझ में आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में सभी बातें जो मैं धीरे धीरे बताता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं, पता चल गया अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे है तो फिर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो आपने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन सुनिएगा क्या होता है। अब रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात देखें तो रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, साइन कन्वेंशन बनाए गए, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो साइन कन्वेंशन, वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए साइन कन्वेंशन बनाए गए। और उन्होंने कहा अगर हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले एनोड को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, एनोड को। फिर इसने कहा डबल क्रॉस से हम दिखाएंगे, ये होगा आपका साल्ट ब्रिज, ये क्या होगा, साल्ट ब्रिज होगा, ठीक है। और उसके जो राइट में है उसको आप लिखोगे कैथोड, बिल्कुल राइट में क्या लिखोगे, कैथोड। जैसे ये जिंक और कॉपर का सेल है, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। अब इस पे जो रिएक्शन हुई थी पहले, एनोड पे रिएक्शन क्या हुई थी वो लिखो, एनोड पे रिएक्शन हुई थी जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या हुई थी, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया था कॉपर, ये रिएक्शन जरूरी है। अब एनोड देखो जिंक से क्या बना था, तो ऐसे लिखना है जिंक स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक चेंज हुआ है जिंक 2 पॉजिटिव में, ये एनोड आपका, ऐसे लिखा जाएगा एनोड का, जिंक इज चेंजेस टू, फिर ये साल्ट ब्रिज। लेकिन इसने कहा थोड़ा सा साल्ट ब्रिज लगाने से पहले, जो ये जिंक 2 पॉजिटिव है इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, जो आपने ये सॉल्यूशन लिया था ये ZnSO4 का, ये जो जिंक रोड डाली थी इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी बताई थी, 1 मोल थी, तो वो इसके ब्रैकेट में लिखनी होती है, इस आयन के ब्रैकेट में। आगे ये साल्ट ब्रिज, फिर कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ था, कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू कॉपर, तो कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक ये क्या लिखोगे, कॉपर, ये है कैथोड। कॉपर 2 पॉजिटिव के ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी बताई थी मैंने, 1। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, रिप्रेजेंटेशन देके रिएक्शन पूछ सकता है और रिएक्शन देके रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है। ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आया या नहीं आया समझ में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके कारण हुआ था, फिर से एक बार थोड़ा सा फास्टली रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों हुआ था, वो कितने टाइप का है वो आपको पता चल गया। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों हुआ था, जब हम किसी भी सोल्यूशन को लेते हैं, मान लेते हैं हमने ये ZnSO4 का सोल्यूशन ले लिया और जब हम इसमें कॉपर की जिंक की रोड ही डालते हैं, तो देर आर द 3 पॉसिबिलिटी, क्या क्या बताई थी, फर्स्ट नो चेंज टेक्स प्लेस, सेकेंड पॉसिबिलिटी जिंक रोड लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड जिंक 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज इज दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, जिंक 2 पॉजिटिव, एंड द इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट ऑन
रोड, सो रोड गेन नेगेटिव चार्ज एंड सोल्यूशन गेन पॉजिटिव चार्ज. सो ए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन दिस दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. बताया था यही आप लिख सकते हो. जब हम किसी भी रोड को एक सोल्यूशन में डालते हैं तो तीन कंडीशन हो सकती है. पहला कोई भी चेंज नहीं, सेकेंड वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और अपने ऊपर नेगेटिव और इस सोल्यूशन में पॉजिटिव. या फिर एक और कंडीशन क्या बताई थी, इसके अंदर हमने ZnSO4 सोल्यूशन लिया, उसमें जिंक की रोड डाली, तो थर्ड कंडीशन क्या थी, ये सॉल्यूशन के जिंक 2 पॉजिटिव के आयन रोड से इलेक्ट्रॉन को ले लें और क्या हो जाएं, रिड्यूस हो जाएं. तो इस रोड से इलेक्ट्रॉन को ले गए तो रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. इस सॉल्यूशन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव. तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसे भी हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो मैंने सब कुछ तुम्हें एक एक बात बिल्कुल अलग अलग करके बताई है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसके क्या टाइप होते हैं, EMF क्या होता है, कैसे चलता है, क्या सब कुछ होता है. मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सब कुछ बता दिया है. अब एक और देखिएगा, इस बार रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, उसको देखते हुए आपको रिएक्शन लिखनी है. ध्यान से देखिएगा, या फिर पहले एक एग्जांपल और ले लेता हूं. ध्यान से देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यह दिया हुआ भी. ये दिया हुआ अभी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसकी रिएक्शन लिखो. कैसे लिखोगे, बहुत ज्यादा आते हैं ये. सबसे पहले मैंने बताया था जो लेफ्ट में होता है वो क्या होता है, एनोड. जो राइट में होता है वो क्या होता है, कैथोड. अब आधे से ज्यादा बच्चों के माइंड में चलती मिलेंगी, सर कॉपर तो कैथोड था. अरे वो कैथोड तब था जब जिंक से जुड़ा हुआ था. अब ये सिल्वर से जुड़ेगा तो ये एनोड बन जाएगा, ये कैथोड, क्योंकि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर. जो ज्यादा रिएक्टिव होता ना, जिन दो मेटल से आप सेल बना रहे हो उनमें जो ज्यादा रिएक्टिव होगी वो एनोड, और जो कम रिएक्टिव होगी वो किसका काम करेगी, कैथोड का. ये जरूरी है, अब ध्यान से देखिएगा. एनोड है ये, एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन देखिएगा. कॉपर चेंजेस टू कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर चेंजेस टू कॉपर टू पॉजिटिव. कैसे चेंज होगी, जब ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज. ऐसा ही होगा ना, तो यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन. कॉपर कॉपर टू पॉजिटिव में तब चेंज होगा जब दो इलेक्ट्रॉन, हमें रिएक्शन ही लिखनी थी, लिख दी. सेकंड एट कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे सुनिएगा, एजी पॉजिटिव एजी में चेंज हो रहा. तो सिंपल सी बात है, इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को लिए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन लिया और ये किस में चेंज हो गया, एजी में. ऐसे रिएक्शन लिखनी होती है. अब इन दोनों को जोड़ना भी होता है, जोड़ने से पहले बैलेंस जरूरी है. इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो है, तो पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है. अब जोड़ दो दोनों को, कॉपर प्लस 2Ag पॉजिटिव, आगे चलोगे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag. ये देखिएगा, ये बन गया आपके पास, बन गया नहीं बन गया, ऐसे कहा जाता है. अभी ऐसे रिप्रेजेंटेशन दी हुई तो सेल लिखना पड़ सकता है, रिएक्शन दी हुई तो रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है, इससे भी रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है अकेली इस रिएक्शन से भी. कोई जरूरत नहीं है एनोड और कैथोड वाली थे, ये भी दी हुई मिल सकती है. फिर इसको आप एनोड और कैथोड की रिएक्शन में बदलो और फिर रिप्रेजेंट करो. तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, EMF कैसे भी आ सकता है. बोलो इसमें कोई डाउट हो तो. अगर फिर भी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, मैं आपको प्रत्येक चीज एक एक अलग अलग करके बताऊंगा. ओके, आपके लिए मैं बता रहा हूं बच्चों, ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक से टॉपिक जुड़ा हुआ है, इसलिए एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो में, ज्यादा टॉपिक को उठा के नहीं चलूंगा मैं. इसलिए मैं कह रहा हूं टॉपिक को स्किप मत करो, वीडियो को स्किप मत करो, पिछली वीडियो आएगी तब आगे वाली आएगी, क्योंकि वीडियो से वीडियो कनेक्टेड है एक दूसरे से. ठीक है, और कहते हो तो कोई एक्सप्लेन करो भाई, रिप्रेजेंटेशन समझ ना आया हो कैसे है, एक और देख लीजिएगा, फिर आपका डाउट खत्म हो जाएगा अच्छे से. हटा दूं इन सबको, देखिएगा ये कह रहा है इस बार हम बना लेते हैं किसका सेल बनाए, बोलो आप कहोगे उसी का बना लेंगे, निकल और सिल्वर का बना लेते हैं. ठीक है, किसका बना हुआ है, निकल और सिल्वर का, और ये रिएक्शन दी हुई है अभी, सीधी डायरेक्ट ये रिएक्शन दी हुई है निकल और सिल्वर के सेल में, कंप्लीट रिएक्शन. सबसे पहले इसको एनोड पे कौन सी है, कैथोड पे कौन सी है, वो लिखना होता है. देखिएगा एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एट एनोड. एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. यहां पे ऑक्सीडेशन चेक कर लो,
इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे आके कितना हो गया प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, इंक्रीज मींस ऑक्सीडेशन। देखा काम आई या नहीं आई, सबसे पहली वीडियो इस यूनिट की जो थी वो इसीलिए मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन सीख लो। तो निकल निकल टू पॉजिटिव में गया, कैसे गया होगा, निकल निकल टू पॉजिटिव में गया है इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, दो, आधे से ज्यादा को ये भी नहीं पता होगा ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। अरे पॉजिटिव आया इसका मतलब लूज, और वैसे भी एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं हमेशा। सेकंड कैथोड पे चेक करोगे, कैथोड पे क्या हुआ है, सिंपल सी बात है, यहां पे इसके ऊपर कितना चार्ज है प्लस वन, यहां पे आके कितना हो गया जीरो, डिक्रीज, डिक्रीज मींस रिडक्शन, इसका मतलब एजी पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को लिया और किस में चेंज हो गया एजी में, यही हुआ है। बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई किया, ये देखो कैंसिल कर दोगे तो दोनों को जुड़ने के बाद ये बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने बता रखा क्या लिखना होता है एनोड, उसके बाद साल्ट ब्रिज, फिर क्या लिखना होता है कैथोड, यही है लिख दो, फिर एनोड एनोड एनोड, ये रहा निकल से निकल टू पॉजिटिव, कैसे लिखना बता रखा है निकल ओब्लिक निकल टू पॉजिटिव, फिर साल्ट ब्रिज कैथोड एजी पॉजिटिव ओब्लिक, इसमें संख्या बतानी कोई जरूरी नहीं है भाई, ये देखिएगा हो गया ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इनके साथ में कंसंट्रेशन दी हुई होगी तो हम लिख देंगे, नहीं तो पढ़ा रहने देंगे। बोलो समझ आया नहीं आया, हो जाएगा तो आप बने रहिए मेरे साथ, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल आपका है अपना है, अब आप देखो क्या करना आपको। ओके थैंक यू।